Assalamualaikum, Sat Sri Akal, Namaste and Good Morning. Welcome back to my YouTube channel, FDC Vlog. तो भाई जब भी एक नई व्लॉग की शुरुआत तो एक नए दिन के साथ वो भी कश्मीर से जन्नत है कश्मीर। पूरी रात भर हम कोई व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि कार्रवाई की टेंशन थी, गाड़ी बुलाने की टेंशन थी। मतलब कल कोई रात को बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। अभी अभी ये पहुंचे हैं यहाँ 10:30 बजे कश्मीर में। अभी यहाँ से मंडी और कितनी होगी मंडी में? तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग। क्या पैसा ऑन क्या करना? पैसा पहले तिरपाल खोल फिर बीट लिया जाके उसने आग लाने पायो नहीं अगर चीज है आखो खोल दो तो खोल नहीं खोल के यार जा खोल के उपर भन बन रहन दे ठीक है बना बाद चोके ना। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम लोग मंडी में और ये बंदा हमें धोखा दे के इंदौर से भागा था और आज आके जलंधर से और आज हमने इसको इधर आके पकड़ लिया। भाई ये देख लो जब हम घर से निकले थे तब हम कैसे थे आज देखो हमारी शक्ल कैसे हो चुकी है। ये है ट्रकिंग इसको कहते हैं ट्रकिंग इसको बोलते हैं असली ट्रकिंग ठीक है। तो पूरी रात चल के पहुंचे हैं यहाँ पे और अभी खाली होने का कोई मालूम नहीं है। चलो अभी करते हैं अपनी कार्रवाई अगली। ऑटो रोटी बन गई तो भाई दिन के 2 बज चुके हैं तो हमें कोई बंदा मिलने आया फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम मिल भी रहे हैं इधर काली उस्ताद खाना बना रहे हैं। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रमजान के महीने में खाना नहीं बना मतलब रोजा नहीं रखते हो तो भाई 3 दिन से इतनी बुरी हालत है तो क्या रोजा रखेंगे रोजा रखने की हालत में नहीं है हम तो दिखावा नहीं हमसे होता भाई खाना पीना ये वो मतलब वो सब छोड़ो चलो उनको अलग करो और मिलाते हैं हम आपसे। चलो कभी किसी के ब्लॉग में भी मैंने इनको नहीं देखा मैंने आपको किसी के ब्लॉग में नहीं देखा है। आज चढ़ने वाला हूँ क्योंकि आज हम सभी इकट्ठे हो गए फर्स्ट टाइम चढ़ने वाले हैं और फर्स्ट टाइम ही आप देखोगे इनको किसी दूसरे के ब्लॉग में। तो मिलिए भाई बीर जी ब्लॉग के साथ कैसे सलाम वालेकुम भाई चाचू अपना वालेकुम सलाम सलाम का जवाब भी दो वालेकुम सलाम। और भाई इधर में इतनी बुरी हालत है पता नहीं चल रहा है अभी इधर आया था ना मैं तो इनको पूछो कैसे इधर लेटा सो गया मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कभी मेरे मुंह में खीरा डाल रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं पंगा कर रहे हैं मेरे साथ ये सभी ये भाई का लड़का है अच्छा बड़े भाई का। हाँ तो ये देखो भाई इनका चैनल है बीर जी ब्लॉग्स दवीर मेरे चैनल का नाम है। स्पेशली मैं अपने चाचू से मिलने आ गया क्योंकि हमारी बात तो आज तक फोन पे हो रही थी खाली आज पहली बार मैंने आपको फोन किया क्योंकि मैं आपका व्लॉग देख रहा था मुझे पता था आप श्रीनगर मोटी में मिलने वाले थे ये नहीं पता था कि आज मिलने वाले पर मिलने वाले थे मैंने भी अचानक से फोन लगाया जब मुझे वसीम भाई भी मिल गया दादा व्लॉगर्स भी मिल गया मैंने सोचा चल चाचू को भी फोन मारते देखेंगे वो कहां पे। एक और आने वाला है शाम को वो जो आ मुझे मेरे से बिछड़ गया था रोंदू बुलाकर अभी पीछे है वो मेरे को फोन करके बोलता है मुझे छोड़ के चला गया पता नहीं मुझे मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ आप राजा रमीज भाई को रोंदू बुलाकर क्यों बोलते हो। मैं मजाक से बोलता हूँ उसको वो गुस्सा नहीं करता पर है भाई कुछ ऐसे सिस्टम चलो छोड़ो नाम नहीं लेना चाहिए अच्छा नहीं लगता यार ठीक है ना। ठीक है दोस्तों चाचू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लाइक करो कमेंट करो क्योंकि चाचा
राजू तो सबसे अच्छे व्लॉग्स कर कंटिन्यू देता है, और एक भाई है अंदर राजा वसीम भाई और राजा रमीज भाई, ये भी व्लॉग करते हैं, इनको भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और इसके साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो और करते अपने चाचू से बातें। तो भाई दा बीस व्लॉग्स चैनल जाके आप देख सकते हो, और भाई को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ जाके, शेयर लाइक कमेंट दबा के करो। जल्दी से कितने के करवा दो? पहले तो मेरे 10K करा दो फेसबुक पे, 10K फेसबुक के करा दो, तो यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे 17K है, 17K 20K करवा दो, फिर 15K करा दो, फिर 15K करवा दो, चलो भाई। लालच अपनी बढ़ती जा रही है भाई, बहुत पहले पता मैं क्या सोच रहा था जब मैंने आपको पहली बार फोन किया, मगर उस टाइम मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे, दो व्यू थे यूट्यूब पे वीडियो को, मैंने पहला वीडियो वो डाला था, मैंने फिर आपको फोन किया, मैंने बोला भाई मुझे वायरल हो रहा है, मैं किस तरह वायरल हो जाऊंगा, मैं सोच रहा था अपने दिमाग में 1000 कब आएगा, 1000 सब्सक्राइबर कब आएगा मेरे यूट्यूब पे, अचानक से यार एक शॉर्ट वीडियो मेरा वायरल हो गया, 3 दिन में मुझे 15,000 आ गए, 3 दिन में मैं परेशान हो गया यार ये सिस्टम क्या हो गया, ऐसे होता है। और अभी तो मेरे ख्याल से 17.3K है यार। मैं एक ही बात बोलूंगा आपको, अगर व्लॉग करना ना रियलिटी दिखाओ, रोंदू वाला काम मत करना। सही बात है, वो रियलिटी जो है वो दिखाओ। हाँ, जो आपने अभी सच बोला, हमने रोजा नहीं रखा है 3 दिन से, मैं सब्जी भी दिखाई खुद भी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई होता है ना भाई, अब रमजान का महीना चल रहा है, अच्छी बात है यार रोजे रखने चाहिए, पर हमसे नहीं रखे गए, 3 दिन से चल रहे थे भाई, नहीं रखे हैं, झूठ हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ठीक है। खाना बन रहा है ये आपके सामने भाई, बन रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप रमजान के महीने में खाना खा रहे हो, तो भाई 3 दिन से मतलब 2 दिन से तो लगातार खाना खाया ही नहीं है, तो अभी इधर आके कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी वो पड़ी है बोतल सब कुछ, तो इसको बोला लड़के को बना खाना यार, ठीक है, झूठ बोलने से क्या होगा, सही बात, वो हमारे सर पे गुनाह है, सही बात, इससे अच्छा दिखावा नहीं करना चाहिए ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे, जो है वो जो रियलिटी है वो दिखाओ यार, सही बात है, बस कभी ये नहीं दिखाओ ये हो गया मेरे साथ, आज तो मैं लुट गया बर्बाद हो गया, ये छमिया वालों का हाँ छमिया वालों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चले भाई, फर्स्ट टाइम भाई से मिले हैं, तो उनके साथ बैठ के टाइम निकालते हैं, छोड़ो यूट्यूब को, बाकी दिखावा छोड़ो, बाकी बात में करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर भाई मिलने आए हैं भाई, 56 के सेकंड ड्राइवर, बड़े दिन के बाद गाड़ी पे आए हैं, स्पेशल मिलने आए हैं, पर जलंधर से हमसे बिछड़ गए थे भाई साहब, कहाँ भाग गए थे हमसे, डर लग रहा था क्या, आप रह गए थे पीछे, हम थोड़ी भागे थे, वही है ना, भाग गए आप, हम थोड़ी भागे, तो हमको तो भागना ही था आगे, आगे आगे भागे पीछे, एक दिन भी इतना नहीं बोला कि हाँ भाई रुको हम आपका वेट कर रहे हैं, बोला आपने एक बार भी, बोला था आपने सुना नहीं था यार, धोखेबाज इंसान हो आप, पकड़ लिया ना इधर आके, इधर आके पकड़ लिया ना, कौन से ले किराया लेके भाग गए आप, जम्मू चले गए, अभी आपके पास ही आ गए थे, आ नहीं गए, डंडा चंद है ऊपर मुंडी का ना, डंडा चंद है, हाँ जी डंडा चंद है, इंजो दो इंजो दो ही फेरा रहने इन्हें दोनों परमानेंट कुकर लेगा फटाफट, लेगा कुकर बड़ो, जे रोटी खानी तो कुकर लिया, एक ही बार बना मेरी गाड़ी में कुकर लाओ, कुकर उसमें बड़ा कुकर आओ 5 लीटर 5 लीटर ले 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 उसे बनाओ, जब से कुकर लेने गया ना तब से 2 बार बंदा खाना खा के दोबारा तीसरी बार खाने की तैयारी में आ जाता है भाई, इतना ढीला बंदा है यार, तो क्या बात करता रहता है, कहाँ गया था उस वक्त, भूख लगी थी, धनुष बन जाए तेरे आते तक, चल नहीं पा रहा था, बोल रहा था हेलीकॉप्टर पे था तेरे लिए, चलो अगली बार बोल दूंगा, चाचू कहाँ तेरा, चाचू मेरा घर गया है, क्यों, रोजे रखने के लिए, रोजे रखने के लिए गया है।